आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। गाइस क्या बातें हो रही हैं? I was just telling them that भाई भाई को ये लगता है ओ कि लड़कियों में मेंटल स्ट्रेंथ कम होती है, वो कमजोर और डरपोक होती हैं। Yeah, really? Why? मुझे ऐसा नहीं लगता। Good. मुझे लगता है कि लड़के और लड़कियों में कोई किसी से सुपीरियर नहीं होता। हाँ, दोनों एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं, जैसे उनकी स्ट्रेंथ अलग होती है, वीकनेसेस अलग होती है, स्किल सेट्स अलग होते हैं, सुपीरियर नहीं। इन्हें लगता है कि हमारे अंदर मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं होती है, जैसे लड़कों के दिमाग तो बड़े दारा सिंह होते हैं। देखो मैं बस इतना कह रहा था कि लड़कियां जल्दी डर जाती हैं। या ये बात से मैं भी एग्री करता हूं। हां अरे मैं भी एग्री करता हूं। कभी तो लड़के लड़कियों को हॉरर मूवी दिखाने ले आते हैं, लड़के डर के मारे इतनी जोर से आग करते हैं कि बस बेस हो जाता है। व्हाट डू यू मीन? मैंने कॉन्जरिंग 3 बार देखी, वो भी अकेले। अरे तुमने अकेले कंजूर मार्क नहीं देखा है, कंजूरिंग दूर की बात है। और आप क्या इतना स्माइल कर रहे हैं? मैं तो पानी का एक ग्लास लेके आती हूँ तो आप ऐसे कपकपाने लगते हैं और हमें डरपोक कह रहे हैं। लड़कियों की मेंटल स्ट्रेंथ कम होती है, आईक्यू कम होता है। आईक्यू गई क्यों? मुझे मत समझाइए मिस्टर बागड़ बिल्ले। ए बानिका, तो नाम क्यों बिगाड़ रहे हो तुम? ओ तो तुम उसकी टीम में चली गई हो। गाइस मुझे लगता है कि जिंदगी की राहों में हार में गई तुम्हारी जिंदगी की राह। एक्सक्यूज मी, क्या सुना रहे हो हमें अपनी पोइट्री? लड़कियों में तो मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं होती पोइट्री समझने की, तो क्यों सुना रहे हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? हां प्लीज, आज तो आपने बहुत ही बेकार बात की है बिल्लू जी। हाँ ये बात सच है और हम ये प्रूव कर देंगे विद इन 24 आवर्स। ओके वी विल विन। डू यू रियली थिंक सो? चैलेंज एक्सेप्टेड। अनिका तू कब तक यहाँ इंतजार करती रहेगी? दादी बस थोड़ी देर और, जब तक बारिश नहीं रुक जाती। बारिश आज नहीं रुकने वाली है और ऊपर से तुम्हें कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलने वाला। मैं खुद बड़ी मुश्किल से वापस आई हूँ कैंप से, इतना ट्रैफिक जाम था कि पूछो मत। तू आज रात यहीं रुक जा। नहीं दादी, मैं बस थोड़ी देर रुक के देखती हूँ, शायद बारिश रुक जाए। तूने ही तो कहा था कि साहिल स्कूल के ट्रिप से पुणे गया है। जी दादी। हो गया फैसला, तू यहीं रुक रही। थैंक यू सो मच दादी कि आपने आज अनिका को यहीं पे रोक लिया। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें बिल्लू ने यहाँ रोक लिया। इतने दिनों बाद आई है, कल मैं तेरे लिए सारे पिस्ते बादाम मेवे डाल के ना खीर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच दादी। सो गुड राइट आउट। यस हॉरर मूवीज आर माय फेवरेट। मैंने सारी हॉरर मूवीज देखी, पता है? मैंने भी। आई लाइक हॉरर मूवीज। तुमने एनिमल देखी है? हाँ। और कौन सी नहीं देखी है? द टर्न, द रिंग, इविल डेड। वाओ आई लव ऑल दिस। आई लव ऑल दिस मूवीज एक्चुअली। टेक अ मिनट, ये कौन सी फिल्म है? मैं तो नाम ही इनके पहली बार सुन रही हूँ। तो तुमने कौन सी हॉरर मूवीज देखी है जो हमने नहीं देखी? अरे मैंने देखी है जानी दुश्मन वीराना, 20 साल बाद पापी गुड़िया, राज वन, राज टू, राज थ्री, अब तो राज फोर भी रिलीज हो रही है। आपको पता है मैं जितराज के सारे गाने भी आते हैं, मैं सुनाऊं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो ये वाली मूवी देखेंगे यार। अच्छा ठीक है। ये लड़की तो पिकनिक मनाने गई हुई है इतनी रात को, लेकिन इसे रिक्शा कैसे मिलेगा वापस जाने? नहीं जाएगी, इसने कितनी छोटी ड्रेस पहनी हुई है। जिसने छोटी ड्रेस पहनी होती है वो लड़की कभी नहीं वापस जाती। I'm telling you, देखना तो। ये लड़की नहाने जा रही है, ये पक्का मरेगी। जो नहाने जाता है ना वो पक्का मरता है जरूर। लोग गाड़ी की बैक सीट क्यों चेक करते, मुझे ये समझ में नहीं आता। इडियट्स दे आर। कैसी मूवी है? इससे डरावनी तो साहिल की बुआ दिखती है बिना मेकअप के। भूत कम जोकर ज्यादा लग रहा है, हंसी आ रही है लेकिन नहीं समझ में। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने रीड किया था कि फिल्म सोसाइटी ऑफ यूरोप ने पिछले 50 सालों में अब तक की स्कैरियस मूवी डिक्लेयर की थी। उस सोसाइटी में सिर्फ बॉयज होंगे, वही ऐसे भूतों से डर सकते हैं, हमारी ऐसी ब्रेव लड़की। जानी दुश्मन देख लेते हैं ना, मैंने कहा था। लेकिन सौम्या क्या हुआ इनमें? पता नहीं, मैं भी बोलो कि गेम्स खेलने लगी। तुम्हें पता कुछ? अरे मुझे तो वो भूत एकदम साहिल की बुआ जैसा लगा, वो साइड से ना एकदम साहिल की बुआ ही लगा था यार। तो मैंने कहा थोड़े बकवास पिक्चर है, छोड़ दो। आपको पता है मेरे गली में ना इससे भयंकर भूत आते हैं और मैं ऐसे ऐसे उड़ा देती हूँ उन्हें करके। आपकी बिल्डिंग में इससे ज्यादा स्कैरी इंसिडेंट हुएंगे क्या? मतलब मैंने जितनी भी मूवी देखी है वो हॉरर थी, मतलब ये वाली वाज रियली बैड। एकदम 2 रुपीस ना।
यू नो, मैंने सुना था कि लड़कियां बहुत ब्रेव होती हैं। अब चुपचाप मान लो कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा डरपोक होती हैं। उनमें उतनी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती है। दिल बोले, ऑल राइट। Like really? I will give it back to them. Don't worry. नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, मैं जाके डीवीडी लौटा दूंगी उन्हें। अनिका, इट्स अ मुहावरा, मतलब हम भी उन्हें मजा चखाएंगे। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। वेट, टंटन, ये क्या क्या है इसमें? ये मेरा प्लान है। मैंने कहा था ना कि मैं हॉरर मूवीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को प्रैंक्स प्ले करके डराती भी हूँ। इससे कौन डरेगा? वी कैन वॉच। ये देखो, माय गॉड, यू आर अ मर्डरर, व्हाट? ये आलू छीलने बड़ा काम आएगा ना। अनिका डी, फोकस। लेकिन ये सब तुमने कैसे कलेक्ट किया? अरे ये मेरी प्राइस पोजेशन है, पता है 102 कंट्रीज के बीच में एक हॉरर क्विज हुई थी जो मैं जीती थी। फर्स्ट प्राइज मुझे ये सब मिला था। ये सब तुम्हें प्राइज में मिला? ये आईबॉल्स, ये देखो। ओके, अरे दूर, ओके, व्हाट्स दैट? और ये, ओ माय गॉड, इट्स क्रीपी। ये मिचमिची, ये मिचमिची, दूर 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 दूर। ऐसे ये मेरे बचपन का मास्क है, पता है, बचपन से लेके हुआ है मैंने। तुम्हें लगता है कि सबसे लड़के डरेंगे? ऑफ कोर्स, इस सबसे लड़कों की बैंड बजेगी। जिन कोटेशंस की हम बात कर रहे थे वो मैं तुम्हें ईमेल कर चुका हूं। उसका नाम शिवाय हो, वो सांप से तो बिल्कुल नहीं डरता। और नकली सांप से तो बिल्कुल भी नहीं। मेंटल स्ट्रेंथ, नथिंग इज वर्किंग, क्या करे? मुझे लगता है हमें न्यू टैक्टिक्स ट्राई करनी चाहिए। ये बस एक प्लान है। Are you serious? नकली सांप? Yeah. God. ये लड़कियों के डराने का तरीका कितना सिली है। ऐसा लग रहा है किसी स्कूल का प्ले चल रहा है। जोकर्स है यार। मलिका, मास्क पहन के डराने की कोशिश करी थी। उसे लगा मैं डर जाऊंगा, लाइक सीरियसली मैं। यू नो, जीत इतनी आसान हो गई है कि गेम खेलने का मजा ही नहीं आ रहा है। ये लड़कियां कुछ सोचती नहीं है। बड़े भैया, बड़े बार वाले भैया, चलिए ना डिनर के लिए। तुम लोगों ने अपने हाथों से बनाया है? नहीं,
मलिका दी ने अपने हाथों से ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया आपने? देखो मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, लेकिन मैं भी जानती हूँ कि चाइनीज तुम्हारा फेवरेट है। तो गेस व्हाट, मैंने हेल्दी चाइनीज ऑर्डर किया है। चले चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये तुम लोग की कोई नई चाल है? बड़े वाल वाले भैया, आपको लगता है कि मैं आपको ट्रिक करूंगी? सौम्या झूठ मत बोलना, तेरे फेस पे दिख रहा है सब कुछ। मेरे फेस पर सिर्फ ये दिख रहा है कि मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज चलो ना बड़े भैया। ओके सौम्या तुम जाओ, हम आ रहे हैं। ओके मुझे लगता है कि ये भी कोई चाल है। मुझे पता है ये कोई चाल है। तो? क्यों मुझे ये भी पता है कि लड़कियां इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगी। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम हार मान लें। जीत तो ये कभी नहीं पाएंगे। एक बात है, हमारे पास एक वीकलिंग है। पुत्र वैसी है, कहाँ है? इतना सारा खाना? यस रूडी, और वो भी तुम्हारा फेवरेट। खाओ खाओ। मुझे बहुत खुशी दीदी कि आप लोगों ने अपनी हार मान ली। नहीं नहीं, इसमें दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि आप लोग हार गए और हम लोग जीत गए, क्योंकि अगर किसी हारे हुए इंसान को कोई बोले कि वो हार चुका है, वो एक नंबर का लूजर है, तो उसे कितना बुरा लगेगा। वैसे भी बॉय ज्यादा स्ट्रांग होते हैं गर्ल्स से। ये क्या है? नाइस। देख ये तेरी भूत, लड़कों का नाम खराब कर दिया तूने। क्या हुआ, कहाँ गई आपकी तड़ीबाजी? ओहो आपकी कंजी आंखें शर्म से नीचे झुक गई है ना। I swear. So one down, two more to go. Hey, एक सेकंड। हमने तुम तीनों को डराया और तुमने सिर्फ एक चने। So. Really? इसमें भी कैलकुलेशन? अभी तो मैंने कैलकुलेटर से ही ऊपर बुलाती हूँ। Now listen, पढ़का। Oh my God, उसका नाम मत बिगाड़ो तो। Hey listen, इसने मुझे पहले कैलकुलेटर सिंह ओबेरॉय जो भी है वो बुलाया और तुमने इसे कुछ नहीं कहा। ओहो, शिवाय सिंह ओबेरॉय बच्चों की तरह शिकायत कर रहे हैं। Really mature. Listen, shut up. Okay, हमने तीनों को डराया, तुमने एक जने को, so technically हम लोग जीत। Okay, let me remind you, ये challenge था 24 hours का, so one down, two more to go, we still have time. एक की बैंड तो बच गई, अभी तुम दोनों की बारी है। We'll see. तुम लोग मुझे नहीं डरा पाओ। मेंटल स्ट्रेंथ देखेंगे। मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी इंसान को इतना डरते हुए नहीं देखा। सोचो उनके कमरे में भी क्या हो रहा होगा, तीनों भाई क्या कर रहे होंगे। रुद्र ओके बड़े भैया, डर के मारे मेरे बाइसेप श्रिंक हो गए। जब किसी के दिल में मोहब्बत की इबादत लेकिन डर की मौजूदगी से शिकवा और उसके ना होने से शिकायत का एहसास होता है तो बहुत दर्द होता है। मालिका दी, बॉडी दी जिस से ये तो कुछ समझ नहीं आया। मेरे भी समझ में नहीं। क्योंकि वो जो भी बोलता है किसी की समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है शायरी की टैब खुली रह गई है और उर्दू बह रही है। बट आई एम श्योर वो ऐसा बोलता। सच तो ये है कि मुझे इतना डर लगा कि अगर मेरे बाल लंबे नहीं हो जाते तो डेफिनेटली खड़े हो जाते। ओ, भूत नहीं थे, लड़कियों की एक ट्रिक थी।
मास्क भी उतारा उन्होंने, इट्स नॉट रियल भैया, रियल हो या ना रियल हो वो इमेज मेरे दिमाग में दिल में बच चुकी है भैया। वो भूत नहीं, बिल्कुल रिंग वाली भूत की जैसी थी। ओके, वही बाल वही स्किन। भैया पापा की मिस्ड कॉल से मैं इतना नहीं डरता जितना मैं उस भूत को देख के डर गया। रुद्र काम डाउन, वो अनिका थी। एक ओब्रॉय किसी बात से नहीं डरता, एक ओब्रॉय वीराना अकेला देख सकता है, एक ओब्रॉय भूतों के साथ अंताक्षरी खेल सकता है, और तू एक ओब्रॉय होके एक भूतनी से डर गया, वो भी ऐसे। भैया प्लीज डोरी गा के सुना दो। I can't sing. आप तो आर्टिस्ट हो, आप सुना दो प्लीज। रुद्रा एक और बार अगर तूने लोरी गाने को कहा ना तो मैं लाइट बंद कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं। वेल गाइस रुद्र तो गया लेकिन शिवाय और ओ को क्रैक करना इजी नहीं हो। मुझे लगता है कि हमें ना ओमकारा के लिए प्लान चेंज करना पड़ेगा। शिवाय अब वो तीनों हमें डराने की कोशिश करेंगे। कोशिश करने दे, ये तो फिर भी बच्चा है, हमें डराना इतना आसान नहीं। मेरे बैग में कुछ देखते हैं। ये बस नहीं, एक मिनट सौम्या, मुझे लगता है ये सब कुछ भी काम नहीं आने वाला क्योंकि ना ओमकार 10 बार सोचता है कुछ भी करने से पहले। एंड यू नो व्हाट, उसको ना थोड़ा साइकोलॉजिकली डराना पड़ेगा, उसके लिए ये सब चीजें वर्क नहीं करेंगी। और अब तो उसे ये भी पता है कि हम उसे डराने वाले हैं तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली, हमें वहां से अटैक करना होगा जहां से वो उम्मीद ही ना कर रहा। मोनिका दीप, आपके पास कोई प्लान है? हे ओम, मुझे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करना है, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ नए फार्मा प्रोजेक्ट की डिटेल्स डिस्कस करनी है, तो इसे संभाल। भैया ना जाओ भैया, चुरा के भैया, कसम तुम्हारी ना रो पड़ूंगा प्लीज। रुद्र उसे काम करने दे, मैं हूं ना तेरे साथ, डर क्यों रहा? अरे भैया डर नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा दिमाग जो ना वो हिला हुआ है, अभी फ्रेश भूत देखा है ना, बस आज रात की बात है, कल सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। हाथ तो छोड़ दे। अरे क्यों छोड़ दूँ, मुझे बता अभी भाग जाओगे? नहीं भागूंगा बाबा, प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस? अब पिंकी प्रॉमिस क्या होता है? वो भूत मेरा मतलब अनिका दीदी से सीखा है। पिंकी प्रॉमिस, ओके अब रिलैक्स, कोई भूत नहीं, सो जा। जाना बता। बच्चे भी ना, स्पेशली ये नया गर्ल गैंग जो बना है हमारे घर में, आई मीन ये भी कोई चैलेंज हुआ? हाँ बस, और तो और ये कहती फिर रही कि वो लड़कों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे शिवा इज राइट, लड़कियों को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो लड़कों से ज्यादा कमजोर है। माय माता जेठ जी, सुन लिया हमने, हाँ आप भी सीन कटा के बचड़ों की गैंग में शामिल हो गए हो क्या? वैसे वो तो बच्चे हैं, पर आपको तो पता होना चाहिए ना कि वी विमेंस आर नॉट कमजोर्स, है ना व्हाट सेज? अरे बाबा पिंकी प्लीज, कम से कम तुम तो बचकानी बातें मत करो, एटलीस्ट तुम्हें तो मान लेना चाहिए कि सच है। हेलो, आप दुर्गा माता के भक्त होके ऐसी टास्क कैसे कर सकते हो? अरे बाबा दुर्गा माँ देवी है पिंकी। Exactly. आप अपने आप को भगवान के साथ कंपेयर कर रहे हो। देखो सारी दुनिया इस बात को जानती है और जितनी जल्दी तुम दोनों इस बात को मान लो तो तुम दोनों के लिए बेटर होगा। और तो मर्दों से ज्यादा कमजोर होती है, जल्दी डर जाती है। करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट रुद्र, फिर वो इतनी जल्दी कैसे डर गया? अच्छा शिवाय, शिवाय तो नहीं डरा ना? देखो देखो रुद्र गर्ल्स का मोराल बूस्ट करने के लिए एक्टिंग कर रहा हूं, लड़कियां तो अपनी हार मानने से तक डरती। सोचो पता नहीं मैं किन बातों पर बच गया। एनीवे मुझे तुम्हें वो कॉन्फ्रेंस की डिटेल समझाने हैं, चले? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे भी यहां खड़ों के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम वो डिस्कस कर लें। एक बात और भाई साहब, औरतों को समझना और समझाना भाई साहब नामुमकिन है। चलिए स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।